आज हम आपके लिए लाए हैं हलवाई स्टाइल पोस्ता आलू दम की रेसिपी, जो कि बहुत ही लाजवाब बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलकर बनाना शुरू करते हैं पोस्ता आलू दम। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून तेल लिया है, सरसों का तेल है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और साथ ही मैंने 1/2 kg आलू को बॉईल कर लिया था, उसे 2 पीसेस में काट लिया है। तो जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम आलू डाल देंगे और आलू को हमें थोड़ी देर तक सॉटे करना है, जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। फ्लेम मैंने हाई ही रखा है। अब इसमें थोड़ा नमक डाल दें और साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए आलू में एक अच्छा ब्राउन कलर आ गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे और साथ में कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 2 लाल मिर्च है, 2 तेज़पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 स्टार एनिस है, थोड़ी सी जावित्री है, 2 छोटी इलायची है, 4-5 लौंग है और 4-5 काली मिर्च के दाने हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसे डाल देंगे। जब खड़े मसाले अच्छी तरह से क्रैकल हो जाए तो इसमें मैंने 2 प्याज था, जिसे अच्छी तरह से मैंने महीन काट लिया है, इसे डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। यहाँ मैंने इसे क्रश करके डाला है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसे भी 30 सेकेंड्स तक अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अब 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। फ्लेम एकदम लो ही रखेंगे और हम इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। 3 टेबल स्पून पोस्ता को मैंने 2 हरी मिर्च के साथ इसका पेस्ट बना लिया है। पोस्ता को मैंने पहले 2 घंटे तक सोख करके रखा था और उसके बाद उसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। जिस जार में से ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो फ्लेम लो कर देंगे और इसे हम कवर कर देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, एक बार इसे हम देख लेते हैं। देखिए तेल जो है वो किनारों पे आ गया है, तो मसाले बहुत अच्छी तरह से एकदम फ्राई हो गए हैं। तो एक बार इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। आप हम इसमें जो फ्राई किया हुआ आलू रखा था उसको डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मसालों में मिक्स कर देंगे। फ्लेम अभी लो टू मीडियम ही रखना है और इसे 2 मिनट तक हम अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि सारे मसाले जो है आलू में अच्छी तरह से लिपट जाए और उसका फ्लेवर भी आलू में अच्छी तरह से आ जाए। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए वैसे उतना ही पानी डालें। तो यहाँ मैंने 1 ग्लास इसमें पानी ऐड किया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हमें 2 मिनट तक कुक करना है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेगा। 2 मिनट बाद देखिए हमारी ग्रेवी जो है एकदम बनकर तैयार है। अभी इसमें आप थोड़ी ग्रेवी देख रहे होंगे क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे ये सब्जी जो है वो गाढ़ी होती जाती है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। अगर आप इसकी सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं तो पानी आप कम डालें
तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। तो बस आप इसे चावल, रोटी, पूरी किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत यमी लगती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।